बरामद की गई है। सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कमर्शियल गैस सिलेंडर के गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां पर मौके से 198 भरे हुए सिलेंडर, 227 खाली सिलेंडर बरामद हुए हैं। 3 पिकअप, बोलेरो और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। गुरुग्राम से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर छापेमारी की गई है। अवैध रूप से ये गोदाम चलाया जा रहा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर यहां पर देखे गए। कमर्शियल गैस सिलेंडर अवैध रूप से यहां पर बेचे जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने गुरुग्राम से है। सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर गोदाम पर छापेमारी की गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके से 198 गैस सिलेंडर भरे हुए पाए गए, 227 खाली गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। सीएम फ्लाइंग टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गोदाम पर छापेमारी की और मौके से 198 भरे हुए, वहीं 227 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस गोदाम पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जो है वो बरामद किए गए हैं। दरअसल 198 संख्या है ऐसे सिलेंडरों की जो कि भरे हुए हैं, 227 गैस सिलेंडर खाली बरामद किए गए हैं। अवैध रूप से ये गोदाम चल रहा था। सीएम फ्लाइंग टीम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मौके से अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आर खबर पर। गुरुग्राम से इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध रूप से चल रहा गोदाम और यहां पर छापेमारी की गई सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से, जहां पर मौके से 198 भरे हुए गैस सिलेंडर बरामद किए गए, वहीं 227 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए। अवैध रूप से चल रहा था ये गोदाम। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर सिलेंडर बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से चल रहे गोदाम पर छापेमारी सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से की गई। और तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो सिलेंडर है वो जब्त किए गए। 198 सिलेंडर भरे हुए बरामद किए गए हैं और 227 गैस सिलेंडर खाली बरामद किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध रूप से दरअसल ये गोदाम चल रहा था और सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर छापेमारी की इस गोदाम पर, जो कि अवैध रूप से चल रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 198 गैस सिलेंडर भरे हुए बरामद किए गए हैं और 127 खाली। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से हैं ये तस्वीरें, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। उस दौरान की तस्वीरें, जब सीएम फ्लाइंग की टीम से छापेमारी की जा रही थी, अवैध रूप से ये गोदाम चल रहा था और यहां से 198 गैस सिलेंडर भरे हुए बरामद किए गए, 227 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, बोलेरो और अन्य सामग्री भी यहां से बरामद की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गुरुग्राम से आपके सामने, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और गैस सिलेंडर बरामद किए। बड़ी संख्या में 198 गैस सिलेंडर भरे हुए बरामद किए गए हैं और 227 गैस सिलेंडर खाली बरामद किए गए हैं। अवैध रूप से ये गोदाम चल रहा था। शिकायत मिली सीएम फ्लाइंग की टीम को और सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर छापेमारी की और बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद किए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस जगह की, उस गोदाम की, जो कि अवैध रूप से चल रहा था। गुरुग्राम से ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रवीण शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है सीएम फ्लाइंग की टीम की? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, गुरुग्राम जो है एक औद्योगिक शहर है और यहाँ पर
लेबर का तबका काफी ज्यादा संख्या में रहता है। तो ये जो गैस के काला बाजारी हैं जिन पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने रेड करके सिलेंडर बरामद किए हैं, ये बड़े सिलेंडर्स को छोटे सिलेंडर में भरकर लोगों की जान जोखिम में भी डालते थे। और कहीं ना कहीं एक नेक्सस इन्होंने बना रखा था कि बड़े सिलेंडर्स की गैस को छोटे छोटे सिलेंडरों में ट्रांसफर करके और उनको महंगे दामों पर जो लेबर क्लास लोग हैं उनको बेचते थे। तो कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को लगातार सूचनाएं मिल रही थी इस तरह की, और इसकी जांच करने के बाद जब पुख्ता जानकारी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के पास हाथ में आई तो उसके बाद यहाँ पर छापेमारी की गई जिसमें काफी संख्या में कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर ये जो कारोबार चल रहा था प्रवीण, तो कहीं ना कहीं जो अन्य ऐसे कारोबार चल रहे हैं उनमें भड़कंप मच गया होगा इस तरीके से, और भी गोदाम होंगे जो अवैध रूप से चल रहे होंगे, किस तरीके से क्या कुछ रणनीति है आगे सीएम फ्लाइंग की टीम की? बिल्कुल, देखिए मनिका, जो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ फटे हुए गांव हैं वहां पर बहुत ज्यादा लेबर क्लास रहती है और उन्हीं गांव में इस तरह के जो अवैध कारोबार हैं वो होते हैं। तो सीएम फ्लाइंग टीम की लगातार उन गांव पर भी निगाह है, उन इलाकों पर भी निगाह है जहां पर इस तरह के काम होने की संभावना है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि फिलहाल इस कार्रवाई के बाद जो एक तरह से हड़कंप मचा है और जो अवैध कारोबारी हैं वो एक तरह से भूमिगत हो गए हैं। बाकी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की पूरी निगाह उस पर है और जो खाद्य आपूर्ति विभाग है वो भी लगातार जो है अपनी टीमें भेजकर इस बात की जांच करा रहा है। बिल्कुल, और सीएम फ्लाइंग की टीम की अगर बात करते हैं प्रवीण जी, तो कैसे इस गोदाम तक सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची, कैसे उनको सूचना मिली? देखिए, लगातार जो है इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो लगातार निगाह रखे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार बाजार में छोटे सिलेंडर देखे जाते हैं, चाहे आप किसी रेहड़ी पर देखें चाहे किसी छोटी दुकान पर देखें, तो ये कहां से आते हैं। तो इस बात की जांच लगातार सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम कर रही थी और खाद्य आपूर्ति विभाग भी इसकी जांच में जुटा था कि छोटे सिलेंडर कहां से आते हैं जिनमें गैस भरी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये संपर्क सूत्र जोड़कर जो इनके सूत्र हैं उनके हवाले से जो है कहीं इनको एक जानकारी मिली, जिसके बाद ये रेड की गई और फिलहाल जो है जो आरोपी है इसका पवन यादव उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। वो अपने आप को भारत गैस का एसोसिएट जरूर बता है लेकिन अभी कोई दस्तावेज उसकी तरफ से पेश नहीं किए गए हैं और अभी उससे पूछताछ जारी है। चलिए, आप बने रहिए प्रवीण जी, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।